ओम साई राम एवरीवन। ओम साई राम मैम। आप कौन सी क्लास ले रहे हैं? ओम साई राम मैम। ओम साई राम आयुषी। God bless you. Thank you, ma'am. चलिए सो मैम स्टार्ट करें आज। बिल्कुल शुभारंभ करा जाए। हाँ सर। ओम साई राम मैम। तो आज का वेबिनार रखा गया है मैम की तरफ से रामबाण रेमेडीज। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज मैम ने स्पेशल वेबिनार रखा है जो रामबाण रेमेडीज के ऊपर ही है। साथ ही मैम की तरफ से तीन जनों को आज बहुत कुछ अच्छा गिफ्ट देने का सोचा है मैम ने। वो मैम ही डिसाइड करेंगे किनको देना है और कैसे देना है और क्या देना है। हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैम देंगे। तो मैं मैम को निवेदन करती हूँ आज का शुभारंभ करें मैम प्लीज। तो ओम साई राम एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको साई राम क्रिएशंस का एक इंट्रोडक्शन दे। साई राम क्रिएशंस के बैनर में बहुत सारे कोर्सेज आई टीच एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये जो रेमेडी कोर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, इफेक्टिव रामबाण रेमेडीज। अभी हमारा दिवाली रामबाण रेमेडीज कोर्स गया है पीछे और बहुत ही सक्सेसिव रहा। बहुत मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स आए, लोगों ने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए भी रेमेडीज दी जाए। अब क्या पर्पस है इसका, है ना? क्यों मैं ये रेमेडीज आप लोगों को देना चाहती, क्योंकि क्या है ना कि अगर ऑकल्ट की फील्ड में हम लोग हैं, ठीक है, और हम किसी की कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं और उसको उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, तो देयर इज नो यूज ऑफ टेलिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे उसका सॉल्यूशन भी है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन देन देयर इज नो यूज ऑफ टेलिंग द प्रॉब्लम इवन, क्योंकि जो हमारे पास आ रहा है वो परेशान आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स। साउंड सुनाई नहीं दे रहा एकता जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम, मैम यस ऑडिबल। ओके प्लीज चेक योर कनेक्शन जिनको मेरी आवाज अगर नहीं आ रही। ओके तो अगर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं दे पाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना उस प्रॉब्लम को बताने का भी इवन। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज की वर्कशॉप लेकर आई हूँ जो जिससे आप लोग किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हो। और अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या पंडित जी के पास रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन मांगने जाते भी हैं, देन ऑल्सो वो कुछ कहते हैं अनुष्ठान करवाओ एंड इतने फलाना दिन लगेंगे और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ जाती है एट टाइम्स। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत चीप बहुत ही रेमेडीज ऐसी जो आप लोग 100-200 रुपए में कर सकते हो और आपकी किचन में भी हैं वो प्रोडक्ट्स, है ना। तो जैसे कि वेबिनार से पहले मुझे काफी मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि एक तो मनी ब्लॉकेजेस हो रही है ड्यू टू कोविड, दूसरा जॉब नहीं है लोगों के पास, दे आर जॉबलेस। तो आज इन्हीं दो टॉपिक को कवर करते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज लेकर आई हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, जो लगती है। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बॉडी माइंड और सोल लेवल पे रेमेडीज करनी है, नहीं तो रेमेडी करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर हम बॉडी माइंड और सोल लेवल पे नहीं कर रहे, क्योंकि उसके रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हुआ भी होगा, उन्होंने एक्सपीरियंस भी करी होगी ये चीज कि रेमेडी कर ली लेकिन रिजल्ट नहीं आए, है ना। और उसके बाद फिर ऑकल्ट साइंस जो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस विद्या को हमारी एक ऑकल्ट साइंस को किसी को ये ना बोलने दे कि जी इसके रिजल्ट्स नहीं आते, इसकी तो रेमेडीज लगती ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज लेकर आई हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आप लोगों को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उनके रिजल्ट ही आएंगे, ठीक है। यस मैम, आप तो इंस्टाग्राम पे भी रेमेडी वीडियो शेयर करते रहते हो ना, और हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहे हैं इसके तो बहुत सारा। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे यूट्यूब पेज पे आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा पेज का नेम है न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन। अभी हमने सूर्य ग्रहण की मैंने वीडियो डाली है वहां पे,
तो आप लोग फॉलो करते रहिए, बिकॉज हर एक ओकेजन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं वहां पर छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ जो काफी हेल्पफुल होती हैं, जो लगती हैं और 10-20-50 रुपए के खर्चे में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सूर्य ग्रहण की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 4 दिसंबर को लास्ट सूर्य ग्रहण है, लास्ट सेलेस्टियल इवेंट ऑफ दिस ईयर। जब तक और लोग जुड़ते हैं तो मैं आपसे सूर्य ग्रहण के बारे में बता देती हूँ। जैसे अभी 2022 की मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब पेज पे जाके देखिए, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि जो ये सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बाद से देयर कुड बी अ हाइक इन कोविड केसेस, ठीक है। बिकॉज सेम ऐसा ही सूर्य ग्रहण जो है वो लास्ट ईयर दिसंबर में ही हुआ था और उसके बाद ही कोरोना के केसेस में हमने बढ़ोतरी देखी थी। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आई नो हम लोगों के सबके काम है, हम अपने घर पे तो बैठे, तो मैं आप लोगों के लिए आज कोविड से रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज लेकर आई हूँ। बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजिशन ऐसी बन रही है, ज्येष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन बन रही है। ओके, आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो एज वेल, राजवंशी। सो दे वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन आर देयर दैट कोविड केसेस में हाइक एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी द केसेस आर गोइंग टू ट्रिगर, ठीक है। तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर रखें, अपने यू नो इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज करने के बाद के अलावा तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज पैंडेमिक है और क्योंकि मर्क्यूरी का ज्येष्ठा नक्षत्र तो थ्रोट एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना हमारे मर्क्यूरी, तो थ्रोट एरिया से जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, वायरस जो गले का होता है वो तो थ्रोट एरिया से ही जाता है। तो दैट इज वाई अपनी मतलब हमारे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसी कुछ चीजें बता देती हूँ जो आप लोगों को मिक्स करके मॉर्निंग में एवरीडे पीना है सबको, मतलब वी आर टेकिंग इट राइट फ्रॉम 2020 और अभी तक हमने उसको छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इम्यूनिटी इंक्रीज करने का मैं अभी आप लोगों को एक टी बताने जा रही हूँ। तो मॉर्निंग में किसी ने दूध वाली चाय नहीं पीनी, अब कल से सबने वही टी पीनी है टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडीज। तो आप लोग इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, अगर आप लोग कहीं ऑक्यूपाइड हैं तो यू कैन अगेन गो टू दिस वीडियो, दिस विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने क्या क्या रात को ही आप लोगों ने ये सोक करके रख लेना। इफ आई स्पीक इन इंग्लिश देन रेस्ट पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो आई विल रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। ऑलराइट, YouTube link will be shared in the group which you are, so be in the group, जोन से ग्रुप में आप लोग हैं वहीं पे रहिए, आप लोगों को बहुत जल्द YouTube link वहाँ पे शेयर होगा। तो अच्छा, सबसे पहले मैं immunity increase करने का आप लोगों को एक टी बताने वाली थी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दालचीनी, ठीक है, थोड़ा सा दालचीनी का छोटा सा पीस, साबुत हल्दी का पीस, काली मिर्च 2-3 दाने काली मिर्च के, सौंफ, अजवाइन, मेथी दाना, हरा धनिया, ग्रीन धनिया आजकल इजीली अवेलेबल है विंटर्स में, ग्रीन धनिया और जीरा, ठीक है। ये 7 इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये आपको रात को ही आपको डिप करके रख देनी है पानी में, ठीक है। मॉर्निंग में आपने इसको एक बॉइल देना है और सब पूरी फैमिली पीजिए इसको, इट इज अ वेरी इफेक्टिव ड्रिंक, ठीक है। अगर आपको गले में कोई वायरस आ भी जाता है, चेंजिंग वेदर है, गला भी अगर हमारा खराब हो जाता है तो वी यू नो गेट स्केयर्ड कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया। तो आप लोग ये टी पीजिए, ठीक है। विद इन 40 डेज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आप देखोगे कि ऑलरेडी राइज कर चुकी है। ऑलराइट, तो ये टी सबको पीनी है। और मैं एक और रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, 2020 में मैंने ये बहुत लोगों को दिया है और बहुत मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं। किसी को अगर कोविड हुआ है तो मैम इंग्रेडिएंट्स एक बार रिपीट कर दीजिए ना। इंग्रेडिएंट्स, चलिए मैं इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। 7 चीजें सोक करनी है, 7 की 7 है तो ठीक है, नहीं है तो 4-5 जो भी आपके घर में अवेलेबल है। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि 10-20 रुपए के उपाय बताऊंगी जो हमारे किचन में चीजें प्रेजेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट है। ऑलराइट, तो हल्दी, साबुत हल्दी, दालचीनी का एक छोटा सा पीस, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और हरा धनिया, जो ग्रीन धनिया होता है, ठीक है, ये सब आपको रात को ही सोक कर देना है।
मॉर्निंग में आप उसको एक बॉयल दीजिए, जैसे आप लोग अपनी चाय को उबाला दिलवाते हो ना, वैसे आपको इसको उबालना है और इसको आप पूरी फैमिली पीजिए, इसको सबकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए. इवन यू शुड गिव इट टू योर किड्स, ठीक है, माई किड्स लव दिस टी. तो ये थोड़े दिनों में हैबिचुअल हो जाएंगे, तो प्लीज सब पीना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि जनवरी में दिस इज गोइंग टू ट्रिगर. तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज मेरे मुझे सुन रहे हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट हम सब सेफ रहे, बिकॉज यू पीपल आर माई फैमिली. ठीक है, ये हम सबको लेना है. दूसरी चीज, एक मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा बैंड बनाना सिखाऊंगी अभी, जो आप लोगों को अपने हैंड पे टाई करना है, बिकॉज मैं भी, मुझे भी जाना पड़ता है काम से बाहर, मुझे वास्तु विजिट्स पे जाना पड़ता है, तो वी कैन नॉट अवॉइड ना आउटसाइड विजिट्स. तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बैंड बनाना है जो आपको अपने हाथ पे बांधना है इफ यू आर गोइंग आउटसाइड. ठीक है, उस बैंड में क्या क्या डलेगा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ. उसमें डलेगा येल्लो सरसों, ठीक है, थोड़ी सी येल्लो सरसों लेनी है आपने. देसी कपूर लेना है, नॉर्मल कपूर नहीं लेना जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको डालना या ना डालना एक ही बराबर है. ठीक है, तो देसी कपूर, थोड़ी सी येल्लो सरसों और एक हल्दी की गांठ. ये आपने एक येल्लो कलर का कपड़ा लेना है, लंबा सा लेना है कि उसका बैंड बना सको. ठीक है, लंबा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी की एक गांठ डाली, थोड़ी सी येल्लो सरसों डाली और एक या दो पीस आपने कपूर के डाल दिए. ठीक है, उसको आपने टाई कर दिया और उसका बैंड आपको अपने हाथ पे बांध के रखना है. ठीक है, वेन एवर यू गो आउटसाइड अपने हैंड पे बांध के रखिए. आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो लोग भी बाहर जा रहे हैं, मेक श्योर वो हाथ में ये बांध के जाए. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, ये बेसिकली ये हमारे को कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी रेमेडीज चाहे मैं आपको अपने कोर्स में कराऊं या मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं, सबसे पहली बात तो ऐसी रेमेडीज मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर ही नहीं करती जो जिनका कोई जो लगती ही ना हो. ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, लास्ट ईयर कोविड में मैंने बहुत लोगों को दिए और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. ठीक है, मेरी फैमिली में तो टचवुड किसी को कोविड हुआ ही नहीं था, लेकिन मेरे क्लाइंट्स में अगर किसी को हुआ है तो मैंने उनको ये रेमेडीज दी और बहुत हेल्पफुल रही हैं. तो जुपिटर प्लैनेट को हमारे इंक्रीज करती हैं. ठीक है, तो जो हम कपूर डालेंगे वो नेगेटिविटी वाइप ऑफ करेगा, और सरसों और हल्दी इज फॉर प्लैनेट जुपिटर, जिसको हमने जिसे हमने जीव कारक प्लैनेट माना गया है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में. तो हम इस जीव कारक प्लैनेट को अगर हम अपने जुपिटर को एनहांस करके रखेंगे तो हमारी बॉडी की ऑब्वियसली इम्यूनिटी बढ़ेगी. तो जो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ना पानी में डालने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं सारे प्लैनेट से इन्वॉल्व है, मर्क्यूरी से इन्वॉल्व है, जो हमने ग्रीन सौंफ और ग्रीन धनिया डाला, हल्दी डाली, हमने मेथी दाना डाला, वो जुपिटर से इन्वॉल्व है. ठीक है, तो इनसे हमारे जो प्लैनेट्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है. तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो रेमेडीज बताऊंगी उनके लॉजिक नहीं होंगे. ठीक है, लॉजिकल और इफेक्टिव रेमेडीज टेस्टेड. ऑलराइट, तो ये दो रेमेडीज अगर आप करोगे तो आई कैन गारंटी यू दैट कोविड विल नॉट इवन एबल टू टच यू. ठीक है, अब किसी को इन दो रेमेडीज से लेके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी प्रोसीड. एनी क्वेरीज, कुछ समझ में नहीं आया तो? मैम, बैंड लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड. चलिए अनम्यूट करते हैं रूबी जी को. मैम गुड इवनिंग. ओम साई राम रूबी जी. मैम बहुत अच्छा लगा, आप पहले ही हमें अवेयर कर रहे हो, ऐसे टीचर भी होने चाहिए जो पहले ही बता देंगे ऐसा होने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो मेरी फैमिली हो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ. वाकई में मैम यू हैव प्रूव्ड इट कि आपने हमें फैमिली कंसीडर किया है, इसके लिए मैम वेरी थैंक यू एंड आई एम वेरी लक्की कि आप जैसे टीचर मिले हैं. गॉड ब्लेस यू डियर. हां जी रूबी जी बताइए. मैम ये पूछना था, ये दालचीनी छोटी जी जो है, इसका जब जो जिस पानी में हमने भिगोना वो पानी फेंकना है या उसी पानी से, जिस पानी से भिगोनी है जो सारी चीजें वो पानी फेंकना या अलग से नया पानी दे? हाँ जी, नहीं 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 रूबी जी, आपने रात को ये सब चीजें सोक कर दी पानी में, मॉर्निंग में आपने उस पानी को बॉइल करके पीना है, ये टी बनेगी, इम्यूनिटी टी. तो एक ग्लास पानी, पानी की आपने क्वांटिटी बताई नहीं मैम, एक ग्लास ना दो, जैसे मैं और मेरा बेटा. हाँ, जैसे आप और आपका बेटा. ठीक है, तो आपने हाफ या तीन ग्लास आपने उसमें सोक कर दिया,
उसके बाद जब दो या तीन बॉयल्स आ जाए आपने बंद कर देना, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक वो बॉयल होता रहे। ठीक है मैम, थैंक यू, बस यही था क्वेश्चन। मैम वो जो बैंड बनाना है वो बताओगे या ऐसे येलो कपड़े से बांध लेना वो? हाँ, येलो कलर के कपड़े में आपने जैसे कि येलो कलर का थोड़ा लंबा कपड़ा ले लेना, समझ गए ना, बैंड बनाना है तो थोड़ा लंबा ले लेना, कॉटन का ले लो, ठीक है। उसके अंदर आपने एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी येलो सरसों और देसी कपूर, ओके, ठीक है, वो बांध के आपने उनको टाई कर दिया कि वो खुले ना, वो निकले ना, तो बीच में उसको टाई कर दिया, फिर उसको अपने हैंड पे बांध लो। तो इससे क्या होगा मैम? देखिए मैंने अभी बताया कि कपूर जो है वो नेगेटिविटी रिमूव करेगा, और ये जो हल्दी की गांठ और येलो सरसों है ये हमारे जुपिटर प्लैनेट को इंक्रीज करके रखेंगी, जो जिसे जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में उसको जीत कारक माना गया। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हैं हितेशी जी। हेलो, ओम साई राम मैम, बताइए। हेलो, बोलिए बोलिए, बताइए तेशी जी, क्या क्वेरी? देसी कपूर को कैसे पहचानेंगे? देखिए जो नॉर्मल कपूर होता है ना उसका थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंट लगेगा वो, और जो देसी कपूर होता है ना वो बहुत वाइट होता है, और थोड़ा सा उसकी वो मोटा भी होता है। जैसे ये मार्केट में गोल गोल छोटे छोटे मिलते हैं? नहीं, वो तो नकली होते हैं। अच्छा, तो वही असली फिर कैसे पहचानेंगे? आप उनको बोलो ना कि मुझे देसी कपूर चाहिए, वो थोड़ा कॉस्टली भी आएगा, मतलब नॉर्मल कपूर जो आएगा वो 10 या 15 रुपए का अगर आता है, तो जो देसी कपूर है वो 40 रुपीस का या 50 रुपीस का आता है। अच्छा, वो बल्ले में रहता है ना? हाँ जी, भीमसेन कपूर बोला जाता है वो ही ना मैम? भीमसेनी कपूर, यस यस यस। डल्ले में होता है क्या मैम? नहीं नहीं, उसके पीसीज ही होते हैं। आप उनको बोलना, आप उनको यही बोलना कि मुझे भीमसेनी कपूर चाहिए जी, ठीक है। और सेकंड मैम, एक चीज आपको कौन से वाला चाहिए जी मैम? और एक चीज और पूछनी थी, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी रिगार्डिंग माय सम इश्यूज, तो आपने मुझे बताया था नॉनवेज नहीं खाना, तो मैं वो तो नहीं खाती हूँ, बट क्या मैं एग्स ले सकती हूँ? क्या नंबर है आपके? 9 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 6 डेस्टिनी। ओके, 9 की वजह से मैंने मना किया होगा। हाँ, तो एग्स खा लीजिए, बट ट्यूजडेस को अवॉइड करना, ट्यूजडे और सैटरडे को। अच्छा, और मैम एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, प्लीज एक बार देखिएगा ना जी। थैंक यू। अर्जुन रॉय जी, सर अनम्यूट करिए अर्जुन जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी। एक सेकेंड, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस बात हो रही है जो अभी भी मैंने शेयर करी आपको, उससे रिलेटेड कोई, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी रेमेडी शेयर करनी है, अगर आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। हाँ, मेरा कुछ उपाय बताइए मैम, जो मैं तरक्की के रास्ता पर जा सकूं। सर आपको प्रॉब्लम क्या, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं उससे उपाय बताऊंगी, आज डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रही हूँ मैम। मेरा 15,000 का इनकम है किंतु बचता नहीं है। अच्छा, तो मनी की प्रॉब्लम है ना, मनी की रेमेडी सभी मैं शेयर करने वाली, डोंट वरी। मनी की प्रॉब्लम है। हाँ, मैं अभी मनी रेमेडी शेयर करूंगी तो वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ मैम, चलिए, थैंक यू मैम। राजेश राव जी, अनम्यूट करिए सर, आप म्यूट पे हैं। यस सर। मैंने बोला कि ये टी है तो टी में या तो गुड़ मिलाएंगे या तो चीनी मिलाएंगे, दोनों में से कुछ मिला सकते हैं क्या? हाँ, गुड़ मिला सकते हो सर, गुड़। ओके, ठीक है। तो आई होप रेमेडीज क्लियर होंगी, जितने लोगों के हैंड रेस है, अभी मैं लूंगी आप लोगों की क्वेरीज बाद में, बट अभी मैं एक और 2-3 रेमेडीज शेयर कर दूं, ठीक है, देन आई विल बी टेकिंग एवरीवन्स क्वेरी, डोंट वरी। तो ये तो हो गई हमारी कोविड से रिलेटेड रेमेडीज, और सोलर एक्लिप्स का हमारा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड कुछ रेमेडीज बता देती हूँ आप लोग क्या करना उस दिन, बिकॉज 11 से 3 के बीच में सोलर एक्लिप्स लगने वाला है, तो आप कोशिश करो कि उस दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लो इस टाइम पीरियड के बीच में, या फिर आप गायत्री मंत्र चैंट करो,
और हो सके तो गेहूं और गुड़, या फिर गुड़ की रोटी भी आप उस दिन गाय को खिलाओ। जितनी रोटी आप बना सकते हो उतनी बना लो, अदरवाइज जितने फैमिली मेंबर्स हैं एटलीस्ट उतनी तो बना ही लो। तो या तो आपके पास टाइम है तो आप रोटी बना लो, अदरवाइज आप गाय को गेहूं और गुड़ भी खिला सकते हो, बिकॉज कई लोगों के पास आई नो टाइम नहीं होगा, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई एक्लिप्स रिलेटेड अपडेट। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत कैंसरस हो चुके हैं ये बैलून, और अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे आप लोगों को आफ्टर दिस एक्लिप्स। तो बी केयरफुल, अगर आप लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप लोग, तो उसका ध्यान रखिए, बिकॉज द शेयर मार्केट बलून इज गोइंग टू बर्स्ट सून। ऑलरेडी मैं 2022 की प्रेडिक्शन में ये बात बोल चुकी हूँ, और ये साल दो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज 5 नंबर मर्क्यूरी का साल है, लेकिन 6 नंबर जो वीनस का साल आने वाला है, तो दिस बलून इज गोइंग टू बर्स्ट सून बाय नेक्स्ट मार्च और अप्रैल। तो आप लोग ध्यान रखिए अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ जॉब से रिलेटेड रेमेडीज बताने वाली हूँ, बिकॉज मुझे क्वेरी बहुत आती है कि आई एम जॉबलेस, है ना। तो जॉब से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ रेमेडी करनी है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको ये जॉब से रिलेटेड भी कर सकते हो, और आप ये अगर आपका मनी स्टक है तो भी आप लोग ये रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना, बॉडी माइंड और सोल लेवल पे रेमेडी करनी है, तो मैं आज एक प्रॉब्लम यानी कि पैसे की प्रॉब्लम को आपको ये तीनों लेवल की रेमेडीज बताने वाली हूँ। वैसे तो ये मेरे कोर्स का पार्ट रहता है, बट ठीक है कोई बात नहीं बता देते हैं। तो सबसे पहले रेमेडी आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को इस सैटरडे से ही आप वो रेमेडी स्टार्ट करोगे। आप लोगों को क्या करना है, 4 जो ब्लैक वाले गुलाब जामुन होते हैं ना वो लेने हैं। ठीक है, 6 लेने हैं। ठीक है, फ्राइडे भी स्टार्ट कर सकते हो, सैटरडे भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, उसमें वीनस, सैटर्न, राहु तीनों प्लैनेट्स की रेमेडी हम लोग एक साथ करेंगे, क्योंकि शुक्र पैसा देता है और शनि और राहु ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, और जो शनि है वो हमारे जॉब का कारक भी है, तो हमारी पैसे की रेमेडी भी हो गई और हमारे प्रोफेशन की रेमेडी भी हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको 6 गुलाब जामुन लेने हैं, ब्लैक वाले लेने हैं। ठीक है, तो उसमें वीनस और सैटर्न दोनों चीजें आ गई, बिकॉज गुलाब जामुन खोए के बनते हैं तो शुक्र का एलिमेंट आ गया, और ब्लैक कलर के होते हैं तो शनि का एलिमेंट आ गया। तो आप लोगों को ब्लैक गुलाब जामुन लेने हैं, ठीक है, 6 लेने हैं। अब उसको आपको एक ब्राउन कलर का लिफाफा आता है ना, उसके अंदर डालने हैं। पहले आप उसको पैक करवा लेना, फिर एक ब्राउन कलर के लिफाफे में उनको डालने हैं। अब आपको ये 6 गुलाब जामुन या तो आप किसी फीमेल को दे दो, अगर आप फ्राइडे से ये रेमेडी स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप सैटरडे से ये रेमेडी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये दोगे किसी हैंडीकैप पर्सन को, या फिर किसी ब्लाइंड पर्सन को, जो शनि के लोग हैं ना, जिनको हम शनि का दान करते हैं, आप उनको ये रेमेडी, आप उनको ये दान दोगे। ठीक है, तो ऐसा आपको हर फ्राइडे सैटरडे ऐसा आपको 6 हफ्ते तक रिपीट करना है। ठीक है, तो ये रेमेडी अगर आप करते हो तो आपकी शुक्र, शनि, राहु तीनों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हो सके तो आप ये रेमेडी 6 हफ्ते लगातार भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं आप लगातार कर सकते, नहीं है आपके पास टाइम, तो फ्राइडे सैटरडे आपको ऐसा 6 हफ्ते तक ये रिपीट करना है। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि 36 दिन रिपीट कर लो, क्योंकि मैंने ये रेमेडी खुद ट्राई करी हुई है, एंड ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स मिराकुलस हैं। ठीक है, 36 डेज आप लोग करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते 36 डेज तो फ्राइडे सैटरडे ऐसा आपको 6 हफ्ते तक कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, एक ये रेमेडी आपको। दूसरी रेमेडी आपको क्या करनी है, अभी मैं जैसे बोल रही हूँ कि मैं एक रेमेडी के तीनों बॉडी माइंड सोल लेवल पे बता दूं एक प्रॉब्लम का, उसके बाद मैं आप लोगों की क्वेरीज लूंगी, और जिनकी क्वेरीज ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ प्लीज वो हैंड डाउन कर ले, ठीक है, बाकियों का भी मौका दिया जाए। तो ये एक रेमेडी करनी है, उसके बाद जिस दिन से आप ये रेमेडी स्टार्ट करोगे, जैसे मैं आपको 36 डेज तक बोल रही हूँ कि आप दान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते ना, तो आपको एक दिया जलाना है। दिए में आपको क्या क्या डालना है, आपको उस दिए में लेना है, जलाओगे तो आप उस दिए को चमेली के तेल से, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि चमेली का तेल किसका एलिमेंट है, कोई यहाँ बताना चाहेगा, किसी को पता है चमेली के तेल किसका एलिमेंट है,
राइट इन द चैट बॉक्स, तब ज्योत जी को पता है शायद। बताइए प्रभजोत जी, अनम्यूट अनम्यूट करो प्रभजोत जी, म्यूट पे हो आप? नहीं मैंने किया मैम। अच्छा ओके, आप वापस म्यूट पे चले गए। एक मिनट। हाँ जी मैम, बताइए। हनुमान जी को? हाँ, हनुमान जी कौन से प्लैनेट की डीटी है? मंगल का। हाँ मंगल का, तो चमेली का तेल मंगल और शनि दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, दिए में क्या क्या डालना है? चमेली का तेल, ठीक है, और उसके अंदर दो ड्रॉप्स डालनी है अदरक के तेल की, और दो ड्रॉप्स डालनी है कार्डमम ऑयल, सॉरी सिनेमन ऑयल, दालचीनी का। ठीक है, तो सिनेमन ऑयल जो है वो किससे रिलेटेड है? शुक्र प्लैनेट से। चमेली का तेल किससे रिलेटेड है? शनि प्लैनेट से। और अदरक का तेल किससे रिलेटेड है? राहु प्लैनेट से। तो हम तीनों प्लैनेट्स का ऑयल जो है उसको लाइट करेंगे। ठीक है, तो एक हमने कर ली डोनेशन रेमेडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी ने करी। ठीक है, एक हमने करी ये जो फायर, हमने फायर को एक्टिवेट करा। अब ये एक्टिवेट करने के बाद आपको एवरी डे, मतलब जिस दिन से आप ये स्टार्ट करोगे उस दिन से आपको एवरी डे श्री सूक्तम का पाठ शुरू कर देना है। 36 डेज तक वो पाठ चलेगा। ठीक है, श्री सूक्तम का पाठ शुरू करना है। तो जब आप रोज ये दिया जलाओगे या ज्योत में आप डाल के जलाओगे, जैसे भी आपको ये जलाना है, तो आपको श्री सूक्तम का पाठ पढ़ना है टिल 36 डेज ये कंटिन्यू रहेगा। तो 36 डेज तक तेल जलाना, वो दिया जलाना है, 36 डेज तक आपको वो चैंट करना है श्री सूक्तम, 36 डेज डोनेट करना है। 36 डेज आप नहीं कर सकते तो फ्राइडे सैटरडे तो कम से कम आपको करना ही करना है, जो शनि राहु और शुक्र के डेज है उन दिनों में तो आपको डोनेशन करनी ही करनी है। ठीक है, तो बॉडी लेवल की रेमेडी हो गई डोनेशन, और माइंड लेवल की रेमेडी हो गई मंत्र चैंटिंग, और सोल लेवल की रेमेडी हो गई हमने जो दिया जलाया। तो तीनों लेवल पे रेमेडी कर दी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक वास्तु रेमेडी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि घर में कोई वास्तु दोष होता है और हम रेमेडी पे रेमेडी करते हैं बट हमें उसका असर नहीं हो पाता। तो घर की वास्तु डायरेक्शन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये ना हो कि घर में कोई वास्तु दोष हो तो इस वजह से मनी के क्रंचेस आ रहे हो और आप लोग कर रहे हो रेमेडीज, आप लोग लगे हो रेमेडी करने में और उसका फल ही नहीं मिलेगा क्योंकि घर में ही वास्तु दोष है। बिकॉज हम तो अपने घर में ही रह रहे हैं ना, भले ही हम जॉब करते हैं लेकिन आते कहाँ हैं? अपने घर में। तो घर में भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए अगर आपकी रेमेडी, आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो मेक श्योर घर में भी कोई वास्तु दोष ना हो। तो मैं अपनी क्लास में आप लोगों को ऐसी वास्तु दोष की रेमेडीज कराने वाली हूँ जो बिना तोड़ फोड़ से ही आप अपने घर का कोई भी वास्तु दोष ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो उनमें से एक रेमेडी मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ठीक है, वो रेमेडी है नॉर्थ डायरेक्शन की। हम लोगों को अपना नॉर्थ एक्टिवेट करके रखना है। व्हाई नॉर्थ एक्टिवेट करके रखना है? किसी को पता है नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो क्या सिग्निफाई करती है, कौन से प्लैनेट की है? कोई बताना चाहेगा? ओ मिस्टर खन्ना भी है, बताइए सर। ओम साई राम मैम। साई राम खन्ना जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैम, नॉर्थ जो है उत्तर दिशा जो है वो कुबेर की दिशा है और लक्ष्मी जी का आवास है, तो इस वास्ते उसको बहुत अच्छा माना जाता है एज ए प्रॉस्पेरिटी और एज ए मनी। या मनी की डायरेक्शन है डेफिनेटली, और प्लैनेट रिप्रेजेंट करती है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, यस यस, गुड जी। तो नॉर्थ डायरेक्शन की मैं आप लोगों को रेमेडी बताने जा रही हूँ कि मेक श्योर, बिकॉज नॉर्थ का जो एलिमेंट है, हर एक डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है, तो नॉर्थ का एलिमेंट है वॉटर। तो वहां पर अगर फायर हुई, यानी कि आपका किचन हुआ या आपका वॉशरूम हुआ, तो भी आपको मनी क्रंचेस आएंगे ही आएंगे भले ही आप कितनी भी रेमेडी कर लो। तो मेक श्योर वहां पर रेड या येलो कलर ना हो, मेक श्योर वहां पे किचन ना हो, आपका वॉशरूम ना हो। ठीक है,
और मेक श्योर कि वहां पर अब नॉर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, साउथ, साउथ का कोई एलिमेंट नॉर्थ में ना, और साउथ एक फायरी डायरेक्शन है तो फायर नहीं होनी चाहिए, रेड येलो कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सके तो आप वहां पर कोई वॉटर फाउंटेन लगा लीजिए, ठीक है। तो ये मैम अगर सपोज किसी नॉर्थ डायरेक्ट में किसी के वॉशरूम है तो कोई रेमेडी हो सकती है उसकी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। चलिए मैं वो भी बता देती हूँ, अगर किसी का नॉर्थ में वॉशरूम है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपका हमारा वॉशरूम में जो हमारा WC होता है ना, उसको आप कट करोगे ब्लू कलर से, ब्लू कलर से, या ग्रीन कलर से भी कट कर सकते हो, वैसे ब्लू कलर से ही कट करते हैं क्योंकि वाटर एलिमेंट है वहाँ पे। तो ब्लू कलर की टेप आती है, वास्तु टेप, उससे आप उसको कट करोगे और वहां पर एक टॉयलेट ब्लॉकर लगाओगे, तो बिना तोड़ फोड़ के ऐसे आप अपने घर का नॉर्थ भी ठीक कर सकते हो। और आपके अगर घर नॉर्थ में वॉशरूम है, बिकॉज वॉशरूम की कुछ एक लाइंस होती है, तो हम लोग एनी टाइम उस वॉशरूम को, तो ऐसा है नहीं ना कि उठा के दूसरे डायरेक्शन में हम बनवा लें, बहुत खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैं बहुत सस्ती रेमेडीज जो आप कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑरा स्कैनिंग भी करवाओगे तो आप ये देखोगे कि वो ब्लॉकर लगाने के बाद ना 50-60% वो ऑरा स्कैनर भी बताएगा आपको कि वास्तु दोष कम हो चुका है। तो बिल्कुल 100% तो हम लोग नहीं खत्म कर सकते, लेकिन 50-60% हम नलिफाई कर सकते हैं उसके इफेक्ट को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में जो वास्तु की डायरेक्शन है वहां पर कोई एंटी कलर या एंटी एलिमेंट ना, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन जिस जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारी प्राप्तियों की डायरेक्शन है, दैट इज वेस्ट, जो हमारे गेन्स की डायरेक्शन है, हमें हमारे काम से कितना लाभ होगा ये हमें अपनी वेस्ट डायरेक्शन से ही पता चलता है। अगर आप लोगों ने मेरी दिवाली रामबन रेमेडी वर्कशॉप अटेंड करी होगी तो मैंने उसमें ये बताया था कि जो हमारी कमर्शियल प्लेसेस पे पूजा होगी वो वेस्ट फेस करके होगी, राइट, बिकॉज वेस्ट इज फॉर गेन्स, और हमारी जो शॉप है वहां पे हम क्या करने जाते हैं, गेन्स के लिए ही तो जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपके जो शॉप है या आपका घर है वहां पे भी वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो। और आप लोग क्या कर सकते हो अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए, आपने वेस्ट में अपनी पेपर पे लिखनी है, ये आपको Someone is asking for my Paytm number. अभी तो मैंने कोर्स भी नहीं बताया Paytm number का क्या करोगे। तो क्या बता रही थी मैं, वेस्ट। तो वेस्ट में आपको क्या करना है, शनि की होरा में आपको अपनी विश लिखनी है, ऐसे विश जो अचीवेबल हो, मेक श्योर वो विश अचीवेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप लिख दो कि आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसी विश जो आपको लगता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है और ये हो सकती है, आप सपोज लेना है, आपके पास पूरा अरेंजमेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वो कर नहीं पा रहे होते, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती हैं। तो इन दैट केस आपको ऐसी विश लिखनी है जो आपको लगता है ये मैनिफेस्ट हो सकती है, वो आपको लिख लेनी है एक पेपर के ऊपर, ठीक है। वो आपको वेस्ट डायरेक्शन में लगानी है, वेन ऑन सैटरडे इन शनि होरा, या फिर आप थर्सडे को भी लगा सकते हो गुरु की होरा में, ठीक है, वो आपको वहां पे लगा देनी है। अब उसके ऊपर वो किसी को विश दिखनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको एक विलेज का सीन लगाना है, विलेज की सीनरी लगानी है, आउटसाइड उसके होने चाहिए ब्लैक फ्रेम, तो ब्लैक फ्रेम में आपको एक विलेज सीन लगाना है ऑन दी वेस्ट वॉल, विश लिख के उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी थी बॉडी माइंड और सोल लेवल पे रेमेडी फॉर मनी ब्लॉकेजेस, फॉर जॉब और एनी हर्डल्स, ठीक है, बिकॉज यही मेन प्रॉब्लम आजकल मेरे पास, अगर कंसल्टेशंस भी आ रही हैं तो यही प्रॉब्लम मुझे बताते हैं लोग कि मेरा पैसा फंसा हुआ है कैसे मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी रेमेडीज हम रिलेटेड टू मनी करेंगे अपने कोर्स में, लेकिन आज आप लोग एक घंटा मुझे अपना दे रहे हो तो मैं भी आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी रेमेडीज आपको यहाँ पे बताने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। तो अभी इन्हीं रेमेडीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं इनसे रिलेटेड आप लोगों की क्वेरीज मैं लेने वाली हूँ, और भी कुछ इफेक्टिव जॉब रेमेडीज मैं शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, आप सब एक्साइटेड होंगे आई नो। जैसे कि SRK का तो पर्पस ही यही है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
हाँ जी, तो ये हमारी रेमेडीज की वर्कशॉप आ रही है ऑन 7th of December, 7 दिसंबर को. ये हमारा कंटेंट है रेमेडीज की वर्कशॉप का. इसमें मैं आप लोगों को 9 planets और 12 houses, जितने भी प्लानिटरी रेमेडीज होती है ये मैं आप लोगों को कराऊंगी. डोनेशन, हर प्लैनेट से रिलेटेड आप क्या डोनेशन कर सकते हो. अब ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है ना वो 6 नंबर की रेमेडी कर ले तो उसको पैसा मिल जाएगा. तो किसको कौन सी रेमेडी करनी है, रेमेडीज फॉर प्रोफेशन, जॉब, ट्रांसफर, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, मंत्रा, जेमस्टोन एंड रुद्राक्ष रेमेडीज, कौन से नंबर को कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ठीक है. वैदिक रेमेडीज, लाल किताब रेमेडीज. लाल किताब रेमेडीज में मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी नॉलेज भी दूंगी, क्योंकि जो लाल किताब रेमेडीज हैं उसके कुछ यू नो साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडीज लाल किताब की शेयर करूंगी जो बहुत इफेक्टिव हैं, और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी दिया जाएगा इस वर्कशॉप में. उसके अलावा वास्तु रेमेडीज, जैसे अभी मैंने आपके साथ 2 वास्तु रेमेडीज शेयर करी, तो ऐसे ही वास्तु रेमेडीज आपको क्या करनी चाहिए फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स. लव अफेयर, मैरिटल लाइफ, डिवोर्स, अगर किसी को यू नो लव प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं. एजुकेशन, चाइल्ड अबॉर्शन, अगर आपको चाइल्डलेस हो आप या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है चाइल्ड रिलेटेड, उसकी रेमेडीज. रेमेडीज फॉर बाइंग व्हीकल एंड प्रॉपर्टी, ठीक है. डिजीज, लोन एंड कोर्ट केस, लिटिगेशन है आपके पास, आपके ऊपर बार बार आपके वो हॉस्पिटल के खर्चे हो रहे हैं, आपकी लिटिगेशन हो रहे हैं, कोर्ट की यात्रा हो रही है, तो उसमें आप क्या रेमेडीज कर सकते हो. पितृदोष एंड कालसर्प दोष रेमेडीज, हर्बल रेमेडीज. अब आप जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारी किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग अपने यू नो रेमेडीज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं. तो अदरक, धनिया, काली मिर्च, सरसों, कपूर, नींबू, ऐसी और भी बहुत सारी हर्बल चीजें जिनसे हम लोग रेमेडीज करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, और हमें पता ही नहीं है वो कितनी यूज करें. तो रामबाण रेमेडीज ही नाम है इस वर्कशॉप का, क्योंकि ऐसी रेमेडीज जो रामबाण है, बिकॉज लगती है ये रेमेडीज और ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही आप लोगों के साथ मैं इनको शेयर कर रही हूँ. तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं तो आप किसी को नंबर से रिलेटेड आप रेमेडी दे रहे हैं कि आप ये ब्रेसलेट पहन लीजिए, ठीक है, या आप इस डायरेक्शन में ये विंड चाइम लगा लो, या आप लाफिंग बुद्धा यहाँ रख लो, ठीक है, वो सब रेमेडीज ठीक है. फेंगशुई रेमेडीज में ये नहीं कह रही कि वो खराब है, लेकिन उसके साथ आप ऐसे क्या उपाय, क्या टोटके कर सकते हो कि साइड बाय साइड आपकी वो प्लानिटरी रेमेडी भी हो जाए और ये रेमेडीज भी हो जाए. बिकॉज ये जो हमारी हर्बल रेमेडीज है ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज है और हमें पता ही नहीं है इनके बारे में. अब जैसे बेसिकली होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि पानी में हल्दी डाल के नहा लो या पानी में तेल डाल के नहा लो, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से नंबर को क्या पानी में मिक्स करके नहाना है, ठीक है. मेडिसिनल बाथ रेमेडी बोलते हैं उसको. तो वैसे तो हम अपने सारे कोर्सेज में हमारा रेमेडी स्पेशल रहता है और रेमेडीज पे मैं वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन जो लोग कोर्सेज नहीं कर पाते या फिर जो लोग यू नो सिर्फ रेमेडीज में ही इंटरेस्टेड रहते हैं कि कोई नहीं हमें उपाय तो पता हो हमारी प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करने हैं, तो उनके लिए स्पेशल है ये वर्कशॉप. और एक इसमें एक और स्पेशल चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल मनी यंत्र बनाना सिखाऊंगी, बिकॉज आई एम अ स्पेशलिस्ट इन दिस यंत्रास बनाने में. तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इफेक्टिव मनी यंत्र बनाना सिखाऊंगी, फिर उसको हम एनर्जीफाई करके कहाँ लगाना है बता देती हूँ आपको. उसको हम एनर्जीफाई करेंगे पहले और उसके बाद हम उसको अपने घर में ही अनार के पौधे में लगाएंगे, ठीक है. तो कौन सा यंत्र है, कैसे एनर्जीफाई करना है, ये तो हम वर्कशॉप में ही सीख पाएंगे कि आज इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन वो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज वो यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. तो वो भी मैं आप लोगों को इस वर्कशॉप में बनाना सिखाऊंगी, ठीक है. तो ये फीस कितना फीस, अरे हाँ फीस तो मैंने बताई नहीं. तो 5 days की वर्कशॉप है ये, 2 hours every day,
और 3300 इसकी फीस थी ऑलरेडी, लेकिन बिकॉज आई नो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन हिली पड़ी है इस टाइम, ब्लॉकेजेस हुई हुई है मनी में, तो मोर देन 50% डिस्काउंट के साथ मैं ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. 1450 रुपीज ओनली, 1450 रुपीज की ये वर्कशॉप रहेगी, ठीक है. 3300 की वर्कशॉप ऑलरेडी हम आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड रेट्स पे लाए हैं, ताकि आप लोग एटलीस्ट उपाय जान सको अपनी वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए और मैक्सिमम लोग इसको कर सको, क्योंकि आई नो मेरे कोर्सेस थोड़े कॉस्टली रहते ही हैं. 12,000 का हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है और वर्कशॉप्स भी 2,000-3,000 की ही जाती हैं. लेकिन न्यूमरोलॉजी के कोर्स के बारे में याद के कोर्स के बारे में मेरे पास अभी भी क्वेरी आई रही है, तो आपका स्टार्ट हो गया तो क्या अभी भी कोई जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैम? न्यूमरोलॉजी का कोर्स, हाँ न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है. अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप लोग कल से वो स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. वो भी मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ, लेकिन पहले ये 1450 की ये वर्कशॉप रहेगी, 5 दिन की वर्कशॉप, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और PDF भी मिलेंगे इस बार, ठीक है. और न्यूमरोलॉजी का कोर्स का चलो मैं बता देती हूँ. न्यूमरोलॉजी का हमारा 6 in 1 का कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है. अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, तो 6 तरह की न्यूमरोलॉजी एक साथ सिखाई जाएगी, मेडिकल, वैदिक, लोशु, कॉर्पोरेट, शाल्डियन और वास्तु. तो वो 6 की 6 न्यूमरोलॉजी कोर्स में आप लोगों को कराई जाएंगी. और यंत्रा मेकिंग, लाल किताब, रेमेडी, क्रिस्टल, हर्ब्स एंड मेडिसिन, ये सब तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे कोर्सेज में रेमेडी स्पेशल हमेशा रहता है. तो अगर किसी को ये 6 in 1 कोर्स ज्वाइन करना है तो ये भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लास्ट टाइम हम ये कोर्स 12,000 का आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं. इसकी ओरिजिनल फीस 14,000 है, 12,139 प्लस 18% GST, लेकिन लास्ट ईयर का लास्ट बैच है तो ये 12,000 का फ्लैट हम लोगों ने कर रखा है ऑल दोज हु वांट टू ज्वाइन. और ये 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं इस कोर्स के साथ, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष कोर्स, प्लस मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन जो 3200 की है वो भी एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ. और एक 7 चक्र और एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है. तो अराउंड 10,000 की गिफ्ट तो इस वर्कशॉप नहीं है, ये कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, 1.5 महीना ये कोर्स चलेगा. तो इस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री अराउंड 10,000 की गिफ्ट तो है. तो किसी को ये ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन करिए, बट वैसे तो मैं किसी को अर्ज नहीं करती अपने कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए. तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो आपके विषय है, आपको अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो आप ये बिल्कुल कोर्स करिए, बिकॉज 6 तरह की न्यूमरोलॉजी में एक साथ सिखाएंगे. लेकिन ये रेमेडीज वर्कशॉप तो बहुत इफेक्टिव कॉस्ट पे है, और ट्रस्ट में जो रेमेडीज आप लोगों को कराई जाएंगी उससे आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स की तो लाइफ एटलीस्ट बेटर कर ही पाओगे. आप इसको प्रोफेशनली फॉलो करो या ना करो, अगर आप ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हो तब तो आप ऑब्वियसली इसको प्रोफेशनली फॉलो करोगे और आप अपने रेमेडी के जो खजाना है, बिकॉज ये मैं इसको खजाना मानती हूँ, आप हमारे सोने चांदी से भी इम्पोर्टेंट है अगर आप एक ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हो, तो आप अपना खजाना अगर बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज रेमेडीज हमेशा हमारे पास होनी चाहिए अगर हम इस फील्ड में, तो बिल्कुल ये कोर्स आपके लिए. चलिए अच्छा, मैं अपने नंबर्स, हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स, यस यू कैन डू गूगल पे और पेटीएम, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ अपना, 8377091209 8377, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे 0912099999558433. आप लोग जब ग्रुप में है बने रहिए, कल मॉर्निंग में सारी इंफॉर्मेशन वहां शेयर हो जाएगी. यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक भी शेयर हो जाएगा वहां पे, तो आप लोग वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी मैं छोटी छोटी रेमेडीज डालती रहती हूँ. मैं बैंक डिटेल भी शेयर करने के लिए क्वेश्चन है, बैंक डिटेल ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है. ओके, टाइम रहेगा 8 o'clock, 8 to 10, 5 days a week, मतलब टोटल 5 days की वर्कशॉप है, 8 days चलेगी. PDF मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी. PDF मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा जो लोग ज्वाइन करेंगे. चलिए अब किसी को कोर्स से रिलेटेड मोबाइल नंबर, ओके रिपीट कर देती हूँ मैं, 8377091209
0912-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 0
091209। अच्छा, और एक स्पेशल ऑफर है, जो लोग ऑलरेडी हमारे से कोर्स कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का, उन लोगों के लिए इस कोर्स की फीस 1200 रहेगी। तो अगर आप ऑलरेडी हमारा कोई भी कोर्स कर चुके हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट शेयर करिए हमारे साथ और आपको और डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, जिनकी क्वेरीज हो गई है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, मैं उनकी क्वेरीज दोबारा नहीं लूंगी। आई एम सो सॉरी, सबको मौका देना चाहती हूँ आज में। अभी जो मैंने क्वेरीज शेयर करी, अभी जो मैंने रेमेडीज शेयर करी, अगर उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज है या कोर्स रिलेटेड क्वेरीज है तो ही आप लोग हैंड रेज करिएगा। मैंने कोर्स 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है ना मैम? हाँ जी, 7 दिसंबर से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 5 दिन इसकी क्लासेस रहेंगी, 8 से 10, 2 घंटा। 5 दिन बोलो तो तांत। हेलो मैडम, ओम साई राम। ओम साई राम, दीपिका जी बताइए। हाँ, वो हमारे शॉप में पैसे बरकत नहीं हो रहे रुपए। हाँ जी, हमारे दुकान में रुपए बरकत नहीं हो रहे पैसे। ओके, दुकान में बरकत नहीं हो रही। तो मैम अभी मैं की रेमेडी बताइए ना, कौन सी रेसिपी बताया? हाँ, दुकान का वास्तु भी चेक करिए, वहाँ पे नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में या वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम तो नहीं है? नहीं है, वहाँ पे नहीं है। तो आपकी शॉप की फेसिंग क्या है, आप ये बता सकते हो मुझे कौन सा फेसिंग है? ईशान, ईशांत, ईशान, नॉर्थ ईस्ट। हाँ ईशांत, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। तो आप एक क्या करो, आप अपनी शॉप की दहलीज पे, ठीक है, शॉप की दहलीज पे एक येलो कलर की पट्टी, मतलब टेप आती है, येलो कलर की टेप लगा लो। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो मैं एक और आपको रेमेडी बता देती हूँ उसके लिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी शॉप के जो एंट्रेंस है, ठीक है, एवरी थर्सडे आपको ये करना है। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो है वो अपनी शॉप के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं। हाँ, शुभ लाभ। हाँ, एक्चुअली हमें शुभ लाभ जो है वो घर के बाहर हम लिख सकते हैं, लेकिन शॉप के बाहर नहीं लिखना चाहिए हमें। लाभ शुभ, पहले लाभ फिर शुभ, क्योंकि हम जो हमारी वो शॉप है, हम वहां पे किस लिए जा रहे हैं, लाभ के लिए जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो पहले लाभ फिर शुभ। और वो लिखना कैसे है, आपको एवरी थर्सडे वो रिपीट करना है। आपको लेना है हल्दी, चावल का आटा और केसर, इसका आपको एक पेस्ट बना लेना गंगा जल से, और आपको उस पेस्ट से एवरी थर्सडे रब कर दो, फिर से उसको रब करो थर्सडे को, और हो सके तो गुरु की होरा में कर दो, नहीं मॉर्निंग, ये आप कर लो। आप लाभ और शुभ हर थर्सडे एक स्वास्तिक बनाओ, लाभ शुभ ऐसे लिखो, लाभ और शुभ। ठीक है, ठीक है मैडम, कैमरा ऑन कर लीजिए अपने। निशा जी, निशा जी अनम्यूट करिए। ओम साई राम मैम। ओम साई राम निशा जी। मैम मेरा एक कंफ्यूजन था, ये विश वाला जो आपने रेमेडी बताया था वो एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, प्लीज बता देंगे मैम। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पे, ठीक है, ब्लू कलर के पेन से लिखना, आपको एक पेपर पे ब्लू कलर से अपनी विश लिखनी है। विश शुड बी अचीवेबल, मतलब जो आपको लगता है कि ये मेरा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ अड़चन आ रही है, किसी ईविल आई से हो जाता है कभी कभी, या वैसे भी कुछ ब्लॉकेज आ रही होती है, तो आपको वो विश लिखनी है। वो आपको वेस्ट डायरेक्शन में लगा दी, किस दिन, सैटरडे को शनि की होरा में या फिर थर्सडे को गुरु की होरा में, ठीक है, लगानी है वेस्ट वॉल पे। अब इसके ऊपर आपको एक विलेज सीन की फोटो लगानी, पेंटिंग लगा, विलेज सीन लगाना है आपको इसके ऊपर, ठीक है निशा जी। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन, लाइक जब भी मैं कोई भी काम करने को सोचती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, I don't know why, like, अगर चेंज करना हो या वर्क से रिलेटेड हो तो प्रॉब्लम बहुत आती है,
तो मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, आप ना ये हर अमाउंट पे किया करो, मे बी आपको बिल आए जल्दी इफेक्ट करती होगी, आपको कुछ यू नो लोग देख के कभी कभी होता है ना हमारे को जेलस हो जाते हैं या हाई भी लग जाती है हमारे अपने जाती है, मैं ऐसे बोलूं कि दुश्मनों की लगती है। तो आप क्या करो, आप तीन चीजें लो और अपने सर से एंटी क्लॉक वाइज वार के आपको टॉयलेट में फ्लश कर देनी है। क्या क्या लेना है, अमावस्या से आप ये रेमेडी रिपीट करो, अमावस्या से शुरू करो, तीन दिन तक रिपीट करो, ठीक है। आपको लेनी है सूखी काली लाल मिर्च, जो सूखी वाली होती है, ड्राई लाल मिर्च, ठीक है, नमक और चीनी, तीनों चीजें आपको लेनी है सिर से, और लौंग भी, दो पीस लौंग के भी डाल लेना आपको, और सेवन टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाना है एंड फ्लश इट इन द टॉयलेट। अमावस्या से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं वीना गुप्ता जी। वीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही। वीना जी आप मैम डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ प्लीज आप अपने आप को उसमें लाइए, रीचेबल एरिया में। रिया कार नानी जी। हेलो मैम, ओम साई राम। ओम साई राम रिया जी। मैम आपने ये जो 36 डेज का काले गुलाब जामुन वाला बोल रहा था ना, तो फिर आपने कहा कि 36 डेज एज इन मतलब हम कैसे काउंट करेंगे एक, और दूसरा अगर 36 डेज नहीं कर रहे हैं तो आपने कहा फ्राइडे सैटरडे करना है, यानी एवरी वीक फ्राइडे सैटरडे करना है। हाँ, छह हफ्ते तक जितने भी फ्राइडे सैटरडे आएंगे उन पे रिपीट करते जाओ। कैसे काउंट करना है अगर ऐसा है तो शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करना, मतलब अभी जैसे कल नहीं कर देना, शुक्ल पक्ष से शुरू कर लेना। मैंने बोला था ना इस सैटरडे से कर लेना, बट इस सैटरडे मत करना, ग्रहण भी है, तो शुक्ल पक्ष का जो फ्राइडे आएगा ना उससे आप ये रेमेडी शुरू करना। वही मैं मुझे 36 डेज का काउंट नहीं समझा मैम। देखो एज इन कंटिन्यूस 36 फ्राइडे शुरू करी, सपोज आपको कंटिन्यूस 36 डेज करनी है तो आपने शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से शुरू कर, ठीक है, तो शुक्ल पक्ष से फ्राइडे से शुरू करके आप 36 डेज तक रेगुलर करोगे। और आप चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ फ्राइडे सैटरडे ही करनी है, तो फिर आप फ्राइडे सैटरडे आप 6 हफ्ते करोगे। ओके ओके समझ आ गई अब, ठीक है ओके। हाँ जी थैंक यू मैम। नीतू जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम नीतू जी, कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? गुड मैम। अभी हमने जो दिवाली पे यंत्रास बनाए थे, तो जैसे अभी ये वो आएगा मैम सोलर एक्लिप्स आएगा, तो मैम वो यंत्रास को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं, हाँ मैं ये भी बता दूं, जिन्होंने यंत्रास अभी हमने बनाने सिखाए थे उनको एक येलो कलर के कपड़े से हमें ढक देना है, या फिर आपने तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स जिसने भी करा है और यंत्रास बनाए हैं हम लोगों ने, तो आपको उन यंत्र को येल्लो कलर के कपड़े से ढक देना है ऑन सोलर एक्लिप्स, दोबारा नहीं बनाना। ठीक, तो मैम इनको फिर अब दिवाली पे दोबारा बनाएंगे, जब भी बनाएंगे? हाँ, जो दिवाली पर, नेक्स्ट दिवाली पे दोबारा बनाएंगे नीतू जी। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। फीडबैक भी हो जाए, एक रेमेडी आपका दिवाली की ना आपने पे। हाँ जी मैम। कैसा लगा आपको हमारे साथ? कैसा Seriously, it was amazing session. मतलब मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं सारी रेमेडीज की। मैंने सारी रेमेडीज की मैम, आपकी 2000 के नोट वाली भी करी, ईच एंड एवरी रेमेडी आई हैड डन, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मैम, आपकी सारी रेमेडीज के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। थैंक यू
एक रेमेडी सॉल्यूशन देने के लिए आप थैंक यू रियली थैंक यू सो मच मैम या थैंक यू सो मच मैम गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस चलिए जी अब बात करते हैं विपिन जी से विपिन जी थैंक यू मैम एक तो पहले थैंक यू आप इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज दे रहे हो मेरा मैंने आज आपकी दूसरा ऐसे सेशन अटेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ चीजें पूछनी थी ये जो हरा धनिया सूखा लेना है या वैसे नॉर्मल हरा धनिया हरा धनिया जो हरे वाला आता है ना सब्जी वाला पत्तों वाला ठीक है पत्ते वाला यस यस पत्ते वाला और मैम ये जो एक गायत्री मंत्र बताया था और दूसरा मंत्र कौन सा बताया था 4 दिसंबर के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र आप गूगल यूट्यूब पे डालो अब आपका मंत्र आ जाएगा आदित्य हृदय स्त्रोत हाँ आदित्य हृदय स्तोत्र इट्स अ स्तोत्र ओके और मैम ये जो एक आपने पाठ बताया था 36 दिन जो लगातार करना श्री सुक्तम है यस श्री सुक्तम और एक जो जो पेपर लगाना है वो सीनरी के आगे लगाना है पीछे लगाना पेपर लगा के उसके ऊपर सीनरी लगानी है दीवार पे पेपर लगाना है उसके ऊपर सीनरी लगानी है जी 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 और ये जो वीरवार को लिखना है चंदन केसर का आपने बताया चंदन केसर से दुकान के आगे लिखना है वो कितने वीरवार लिखना है आपने किसी को बताई थी रेमेडी हाँ जितने वीरवार आप कर सकते हो उतने कर लो हर वीरवार करो मैं तो कहूंगी तो ये जो आपने तीन चीजें बोली थी ना ड्राई लाल मिर्च नमक और चीनी फिर उसके बाद दो लौंग और भी है चार चीजें होगी हाँ चार चीजें ठीक है मैम थैंक यू सो मच आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर होगा दीपा जी सबको मिलेगा डोंट वरी चमेली की रेमेडी ओके वीना जी आई एम रिपीटिंग चमेली के तेल वाली रेमेडी आपको क्या मैम हेल्थ के लिए कुछ होगा मैम संडे को एक वेबिनार और है हेलो मैम हेल्थ की रेमेडीज दूंगी मैं मुझे हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं विपिन जी संडे को वेबिनार जो है ना उसमें हेल्थ रेमेडीज ही शेयर ठीक है मैम वो आवाज थोड़ी कट हो गई थी सॉरी संडे के वेबिनार में हेल्थ और लिटिगेशन से रिलेटेड रेमेडी शेयर करूंगी ठीक है मैम थैंक यू सो मच ओम साई राम ओम साई राम ओके वीना जी आई एम रिपीटिंग द रेमेडी फॉर यू आपको क्या करना है कि जब वो मैंने बताया कि 36 डेज तक आपको वो रेमेडी करनी है ठीक है या फिर आप 6 हफ्ते करते हो रेमेडी तो आपको लगातार एक दिया जलाना है उसमें आप क्या क्या यूज करोगे चमेली का तेल चमेली के तेल से तो आपको उसको जलाना है मतलब चमेली का तेल ज्यादा कॉस्टली नहीं आता तो वो आप ज्यादा ले लेना और जिंजर ऑयल और सिनेमन ऑयल ये दोनों महंगे आते हैं तो ये दो दो बूंद दो दो तीन तीन बूंद डाल दिया आपने थोड़ा सा डाल दिया ज्यादा नहीं तो इसका आपको दिया जलाना है जब आप श्री सुक्तम का पाठ करोगे बस तभी जलाना है ठीक है यानी कि मैं वो मंदिर में जलाना है और श्री सुक्त का पाठ करना है ना हाँ अपने घर के मंदिर में अच्छा हो रहा शनि की हो रहा और गुरु की हो रहा प्लीज टेल अच्छा रूबी जी आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो मेरे रेमेडी वाली क्लास लग रहा है आपने मिस करी है रूबी भाटिया जी अनम्यूट करो जी मैम होरा समझ नहीं आया वर्ड होरा वर्ड क्या कहाँ पे कैसे पता चलता है ये शनि की होरा गुरु की होरा मेडिकल की रेमेडी वर्कशॉप अटेंड नहीं करी ना आपने नहीं तो फिर सुनो उसको जाके पहले अच्छा ठीक है मैम आप कोई भी वर्कशॉप ना पूरी अटेंड मत करना ठीक है मैम मैम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करोगे होरा वर्ड मेरे को चलो कर देती हूँ बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा मैं बता देती हूँ जी जी चलिए होरा का मतलब ये होता है कि उस हर एक प्लैनेट की ना तीन होरा आती है पूरे दिन में मतलब वो आवर जो है वो उसी प्लैनेट का है तो कोई भी शुभ काम अगर आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड करना है तो उसकी होरा में करना इम्पोर्टेंट है
तो आप लोग अगर आपको पंचांग देखनी आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती पंचांग देखनी तो गूगल करो, जैसे सपोज फ्राइडे को आप रेमेडी शुरू कर रहे हो तो गूगल करो डेट डाल के गूगल करो कि होरा कब है उस प्लैनेट का। मैं आपको बता ही देती हूँ, अगर आप फ्राइडे को शुरू करोगे तो पहली होरा जो है वो शुक्र की ही आएगी, वीनस की ही आएगी, मतलब सुबह जो सनराइज होता है 6:30 बजे 6:45 जो भी उस डे का सनराइज होगा तो पहली होरा उसी की आएगी। एक आएगी सुबह 6:30 से 7:30, एक दोपहर में आएगी उसकी होरा 1 से 2 के बीच में, और एक नाइट में आएगी होरा 8 से 9 के बीच में, ठीक है। तो आप गूगल भी कर सकते हो। रूबी जी आप अनम्यूट करो। हाँ जी, ये फ्राइडे की बताइए आपने, क्योंकि वो जो सीनरी लगाने वाला था वो लिखना था वो थर्सडे और सैटरडे का है, वो तो थर्सडे सॉरी, ठीक है मैम। और ये अमावस्या में जो सूखी लाल मिर्च वाला बताया, इसकी भी कोई क्वांटिटी है, लाल मिर्च की कितनी लेनी है ये? जैसे एक लाल मिर्च ले ली, थोड़ा सा नमक ले लिया, थोड़ी सी चीनी ले ली, ठीक है। और जो ये जॉब मनी स्टक का ही था ये मैम, ये 6 गुलाब जामुन वाला, कहीं मनी रुकी हुई है, मैं मीन्स की किसी ने पैसा लिया और वो वापिस नहीं आ रहा है, हाँ, ये उसके लिए है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक रेमेडी उसके ऊपर भी कोई बताओ कि प्रोफेशन में है बट प्रोफेशन में क्लाइंट्स अभी उतने नहीं आ पाते हैं, अभी मैं लर्निंग पे हूँ, ऐसा नहीं है, सीख रही हूँ साथ साथ सब कुछ कर भी रही हूँ, लेकिन इसको प्रोफेशनली लेना भी चाह रही हूँ आगे अर्निंग के लिए। शॉप में आ जाओ, बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी आपको। नहीं, रेमेडीज तो मैम मिलेंगी, बट ये कि किसी को इम्प्रेस करना होता है, एक अपना भी एक ऑरा होता है इम्प्रेस करने वाला। तो अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आप जैसे आप, एक तो होता है कि हम फोन पे बात करते हैं, मतलब फोन पे कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है, और एक अगर आपके ऑफिस में कोई आ रहा है तो जब भी आपको लगता है ना कि आपका क्लाइंट आने वाला है तो आप अपने हाथ पे ना सिनेमन ऑयल ड्रॉप कर लिया करो। ओके मैम, अभी फेस टू फेस तो किसी से नहीं हो रहा ऑफलाइन, तो अभी तो ऑनलाइन ही है, फोन पे ही हो रहा है ना, तो उसमें कोई रेमेडी नहीं कर सकते, बिकॉज फोन पे आप कैसे अट्रैक्ट करोगे किसी को। यस यस मैम, वही तो। लेकिन ऑफिस में अगर आपके कोई आ रहा है या आप जा रहे हो तो आप सिनेमन ऑयल अपने हैंड पे रब कर लो। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। ओके, ये लो, आप लोग सिनेमन ऑयल जो हैंड पे रब करना है ये वो लोग भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको चाहिए कि आज तो मेरी सिलेक्शन पक्का हो ही जाए, तो आप अपने हैंड पे थोड़ा सा सिनेमन ऑयल या फिर आप जिंजर ऑयल रब करके जाओ अपने हैंड पे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आपका काम हो जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम रुचि अरोड़ा जी, नेम न्यूमरोलॉजी से नाम ठीक हुआ है इनका। ओम साई राम मैम। न्यूमरोलॉजी करती हो मैम? ओम साई राम जी मैम। वेरी गुड मैम, ये जो आपने गुलाब जामुन की जो भी बताई है, जो भी स्टार्ट करनी है, सपोज फ्राइडे से स्टार्ट करी, तो वो डेली फिर किसी वुमेन को ही देना है 36 डेज तक? वुमेन को, हाँ वुमेन को सकते हो, जैसे फ्राइडे वाले दिन वुमेन को दे दो, सैटरडे वाले दिन किसी हैंडीकैप को दे दो, उसके बाद सैटरडे वुमेन को दे दो, फ्राइडे शुरू करिए। अच्छा, तो फिर जब नेक्स्ट फ्राइडे आएगा फिर किसी वुमेन को दे दें, सैटरडे को फिर किसी हैंडीकैप को दे दें, और बीच में फिर वुमेन्स को देना, ऐसे ही करना है ना? यस यस। तो मैम ये तो 36 हो गए, अगर हम वीकली करेंगे और आपने जैसे बोला 6 वीक, तो वो तो 12 डेज बनेंगे ना? हाँ, तो 6 वीक हर फ्राइडे सैटरडे करना है ना? हाँ, तो मैम वो एक वीक में 2 दिन हो गए ना, तो 6 वीक में 12 हो गए, तो वो 36 काउंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, 12 भी कर सकते, वो फ्राइडे सैटरडे वाला लग जाएगा ना उसमें, देखो फ्राइडे वीनस का दिन है, और अगर हम शनिवार को की रेमेडी करते हैं तो वो सैटरडे करते हैं। तो जो अगर मैम जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर किसी का 1 नंबर है, ड्राइवर है, तो वो भी कर सकते हैं शनिवार को सैटरडे का? ये कोई भी नंबर कर सकता है, इसमें आप अभी नंबर्स पे मत ही जाओ, ये टोटके हैं। ओके ठीक है मैम। इट्स लाइक अ टोका, इट्स अ टोटका, इट्स नॉट अ न्यूमरोलॉजी रेमेडी। मैम मैं ना ग्रुप में नहीं हूँ, कहीं से लिंक मिला था तो मैंने ज्वाइन करा है, तो मुझे ग्रुप का लिंक कैसे मिलेगा? आप एक हाय भेज देना, जो भी नंबर मैंने शेयर किया उस पे हाय भेज देना। ठीक है मैम, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। ओके थैंक यू मैम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए, तो 7 दिसंबर से ये हमारी क्लासेस आ रही हैं, और जिनको भी ज्वाइन करना है 1450 ओनली, और 5 दिन हम लोग 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी, 2 आवर्स एवरी डे, और कंप्लीट आप लोगों को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और जितने भी मैं बता रही हूँ कि हमारी किचन के टोटके जो हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी
सॉल्यूशन के लिए, तो बहुत ही इफेक्टिव जाने वाली है और... Yes, ma'am. और अकल साइंस में ऐसा जरूरी भी नहीं है ना कि जो अकल साइंस से है वो ही ये कोर्स कर, क्योंकि और भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो रेमेडीज है वो प्रॉब्लम से और लोग के लाइफ में एक प्रॉब्लम तो है ही जीवन में ना, जरूरी नहीं है कि वो अकल साइंस वाले ही हो ना मैम कोर्स, क्योंकि मैम के हर एक सॉल्यूशन है मैम के पास, तो कोई भी ये कोर्स कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अकल साइंस की फील्ड में हो तब तो सोने पे सुहागा आपका, जैसे मैं बोल रही हूँ कि खजाना बढ़ने वाला है. लेकिन आप अकल साइंस में अगर नहीं भी हो तो भी लाइफ में प्रॉब्लम तो हर एक के है ही, चाहे वो अकल साइंस में है या नहीं है, तो हर एक प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन है. तो ये रेमेडी वर्कशॉप, आई थिंक आई अर्ज एवरीवन टू जॉइन, बिकॉज आई नेवर अर्ज, आप लोगों की मर्जी, आपको ज्वाइन करना है करिए, बिकॉज लेकिन ये मुझे पता है कि मैं आप लोगों को इसमें क्या देने वाली हूँ, तो इसीलिए आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन, और आप अपने नियर एंड डियर वन को भी ज्वाइन करवाएं, क्योंकि जब उनको फायदा होगा तो उसका कर्मा का फायदा भी आपको मिलेगा, मतलब उसमें आपका भी क्रेडिट होगा, उसमें आपको भी लाभ मिलेगा अगर उनको कुछ फायदा हुआ तो. तो एवरीवन शुड जॉइन एंड मेक योर नियर वन ऑल्सो जॉइन, क्योंकि लास्ट टाइम बिकॉज ईयर एंडिंग है तो हमने 3300 की वर्कशॉप 1450 में करी है, जब जनवरी में ये वर्कशॉप दोबारा आएगी तो ये 3300 की ही होगी, डिस्काउंट विल नॉट बी देयर, दिस इज माय गारंटी. तो लास्ट टाइम हमने इस प्राइस पे इसको लॉन्च किया है, तो आई थिंक एवरीवन शुड जॉइन एंड गेट बेनिफिटेड. चलिए अब मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लास है, तो मैं इजाजत लेना चाहूंगी सबसे, और जिनकी क्वेरीज मैं नहीं ले पाई आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक देम ऑन संडे वेबिनार. संडे को हमारा 3:00 वेबिनार है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, जिन्होंने आज जिनके क्वेश्चंस नहीं लिए मैं उस दिन लेने की कोशिश करूंगी, नहीं तो आप लोग मेरे यूट्यूब पेज पे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पेज पे क्वेरी लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. प्लीज डोंट राइट योर क्वेरीज योर प्रॉब्लम्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज वहां पर बहुत क्वेरीज आती है पूरा दिन, तो आप लोगों की क्वेरी मैं नहीं देख पाती, तो ट्राई टू पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स ऑन माय सोशल साइट्स, सो दैट मैं आप लोगों को आंसर दे पाऊँ. ठीक है, सीनियर सिटीजन जी जो है वो मुझसे बात कर ले, आई विल डेफिनेटली गिव यू डिस्काउंट सर. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए ठीक है, मैं संडे को कवर करूंगी उसको, संडे को हम रिलेशनशिप भी कवर कर लेंगे और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीवन. ओम साईं राम. ओम साईं राम मैम. स्टे ब्लेस्ड एवरीवन.